अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ और आपको दिखाते हैं हम कहाँ आए हैं। वैसे तो मैं रावलपिंडी आया था कज़न की शादी पे और मैंने कहा चलो आज को कब्रिस्तान और दरबार है कि यहाँ पर उसका विज़िट करवा देते हैं, चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको बताया था कि हम कब्रिस्तान आए, कब्रिस्तान का ये मेन रोड है और यहाँ से उसकी एंट्रेंस है। साथ ही जैसे ही हम आगे आते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है हज़रत सैयद बाबा गोरे अली शाह, ये उनका बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से अंदर सीधा आपको आगे उनको दिखाते हैं मेन रास्ता कहाँ पर जा रहा है। जी नाजरीन, ये इसका मेन रास्ता है जो दरबार शरीफ के अंदर की तरफ जाता है और आपको दिखाते हैं। और इनके बारे में काफ़ी सुना है, बहुत पुराने बुज़ुर्ग हैं और अंदर जाके आपको उनके मज़ार का विज़िट करवाते हैं और इनकी हिस्ट्री बताते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या है, आपके साथ शेयर करेंगे और आगे आगे आपको दिखाते हैं। ये उनका मेन गेट है जो अंदर की तरफ जाता है और आपको दिखाते हैं। इस साइड पे सारा कब्रिस्तान है, ये देख सकते हैं आप, और इस साइड पर भी कब्रिस्तान है। चलो आपको दरबार शरीफ के अंदर लेके चलते हैं और दरबार शरीफ आपको दिखाते हैं। ये दरबार शरीफ का अंदर एंट्रेंस है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये छोटा सा हाथ है, बहुत पुराना कब्रिस्तान है ये। जी नाज़रीन, ये दरबार शरीफ का मेन गेट है ठीक है एंट्रेंस के लिए। साथ ही ये उन्होंने एक छोटी सी जगह बनाई हुई है कि लोग आते हैं इधर तेल तूल डाल के दीवे चलाते हैं, उन्होंने पर्सनली दरबार से हट के साइड पे बनाई हुई है। और यहाँ से आप अंदर बाइक भी लेके आ सकते हैं, अंदर तकर उन्होंने रास्ता छोड़ा हुआ है। और चलते हैं अंदर, आपको मज़ीद और दिखाते हैं अंदर, दरबार शरीफ का विज़िट करवाते हैं। जी नाज़रीन, ये जैसे कि हम अंदर एंटर हुए हैं, साथ ही ये थोड़ी सी जगह है और ये काफ़ी पुरानी दीवारें भी आप देख सकते हैं बनी हैं, पुराने दौर की ही हैं। ये देखिए जाली हैं और मज़ीद अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं। इनके बारे में सुनना बहुत था, फिर मैं विज़िट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं जगह, इनको मैं विज़िट कराने ले गया। ये दीवे उन्होंने रखे हैं, इसको दीवे कहते हैं, जो भी कहते हैं, दिए जी, ये दिए उन्होंने जलाए हैं। ये उन्होंने नमक भी रखा हुआ है और ये आप देख सकते हैं दरबार का अंदर का। मज़ीद ये देख सकते हैं अंदर तलावत भी हो रही है ज़्यादा। हम जी ये नाज़रीन ये देख सकते हैं, जी नाज़रीन जैसे कि आपको बताया था कि उनकी हिस्ट्री बताएँ कि ये हमें थोड़ी सी हिस्ट्री मिली है उनकी। ये हमारे बिलाल भाई हैं और ये हिस्ट्री थोड़ी सी उनकी मिली है जब वो दुनिया से पर्दा फरमा के थे। और ये उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी लिखी है 1800